नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। नेपाल की आर्मी ने एक और बड़ा काम करके दिखाया है, जो कि चीन है नेपाल के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा था। कुछ एक क्षेत्र ऐसे थे जिसमें जो नेपाल की सीमा थी वो प्रोटोकॉल तोड़कर वहां पे इमारतें बना रहा था, अपने अंडर वो भूमि ले रहा था। उसे अब हटा दिया गया है और चीन की जो सेना है उन्हें रोक दिया गया है नेपाल की आर्मी के द्वारा। हम विस्तार से जानेंगे इस खबर को, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल के जो गृह मंत्रालय के अध्यक्ष हैं उनका कहना था कि चीन नेपाल के अंदर बढ़ रहा है और सड़कें और इमारतें बनाकर जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। जो नेपाल का यहां पे पैनल था उन्होंने खुलासा किया इस चीज का, और जो विस्तारवादी चीन हमला है यहां पे जिला उसमें नेपाल चीन सीमा के लगे नेपाल के भूभाग पर अतिक्रमण कर रहा था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन पक्ष ने नेपाली भूमि में तार और बाड़ लगा दी हैं और सड़कें बनाने के लिए नेपाली क्षेत्र के अंदर लगभग 145 मीटर की स्थायी नहर बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है, जो कि बहुत यहां पे गलत काम था। और इसीलिए नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल की ने इस पर आपत्ति जताई और बाद में यहां पे संरचनाओं को हटाने के लिए मजबूर किया गया नेपाली आर्मी द्वारा। और इसका परिणाम ये यहां पे निकला कि चीनी जो यहां पे लोग अतिक्रमण कर रहे थे भूभाग पर, वो यहां पे हटाना पड़ा उन्हें। और रिपोर्ट के नेपाल सरकार को सतर्क कर दिया गया है कि चीन दोनों देशों के बीच जो प्रोटोकॉल बना था 1963 में, सीमा प्रोटोकॉल जिसे कहा गया था, उसका उल्लंघन कर रहा है और सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक कदम उठाया जाना चाहिए। नेपाल की आर्मी ने आगे बढ़ते हुए यह काम शुरू किया और उन्होंने यहां पे समझाया, लेकिन चीन नहीं माना। उस समय उन्होंने कहा कि ये जो यहां पे तारबंदी की जा रही है वो हमारा ही क्षेत्र है। लेकिन इस तरह से नहीं मानने के बाद यहां पे नेपाली आर्मी ने किया कि हम कुछ एक ऐसे एविडेंस लाएं जिसके बदौलत हम बता सकें कि ये हमारा ही क्षेत्र है, और अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर तो लास्ट हथियार होता है वही यूज करना पड़ेगा। तो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई कि इस प्रकार से जो चीन है वो अतिक्रमण कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए, इसके एविडेंस जो भी हैं हमारे पास, जो कि भी प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे पास एविडेंस है वो हमारे पास भेजिए। जैसे ही यहां पे नेपाल के गृह मंत्रालय ने ये एविडेंस भेजे, उसके अनुसार पाया गया कि जो चीन है वो 145 किलोमीटर अंदर आ चुका है और भी आने की कोशिश कर रहा है, जिसे रोकने के लिए तुरंत यहां पे नेपाली आर्मी के हेडक्वार्टर से यहां सूचना मिली और नेपाली आर्मी ने जाकर उन्हें ये सब कुछ यहां पे दस्तावेज दिखाए गए। उसके बाद यहां पे नेपाली आर्मी का जो कहना था, जो यहां पे इस प्रकार से कह सकते हैं कि नेपाली आर्मी ने गुस्से में आकर ऐसा कहा, तो उसके बाद से चीन को लगा कि कहीं ना कहीं हम अपने मित्र जिसे बनाया था नेपाल को, वो खो रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से अतिक्रमण करके हम एक मित्र और खो देंगे। और वैसे भी जो चीन है उसके पास का पड़ोसी देश भारत है वो वैसे भी दुश्मन है, क्योंकि एलएसए पर उनका विवाद चलता आ रहा है। तो चीन नहीं चाहता कि अब उसका एक और पड़ोसी रूठे, जिसके कारण उन्हें और नुकसान का सामना करना पड़े। इसी बदौलत उन्होंने ये सब कुछ मान लिया और प्रोटोकॉल 1963 के अकॉर्डिंग वो वापिस 145 मीटर पीछे चले गए, ताकि हम यहाँ पे नेपाल और चीन के बीच में कोई और विवाद ना खड़ा हो सके। लेकिन अभी यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा नेपाल को, क्योंकि हो सकता है आगे कहीं और ऐसी नौबत आए, जो कि नहीं आनी चाहिए कभी भी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में? नेपाली आर्मी का काम भी आप बता सकते हैं, अपने विचार कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।